चिराग देखकर मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, जो बना रहे थे किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। आप अरुण जेटली पर क्यों ले आते हैं बात को? आज तो उनका जन्मदिन है, उनका नाम बार बार लाके आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप ये बताइए कि किसका नाम, किसी का नाम नहीं है। अभी तो उसमें करप्शन का एंगल देखा जाएगा। मेरा अनुरोध होगा उन सभी लोगों से जो मेरे दामन पर छींट लगा रहे हैं, उनसे कि चलिए मुझे बताइए कि कौशनिक बिल्ड कास्ट कहां है, ये वीके अग्रवाल कौन है जिनको 9 करोड़ रुपए दिए गए। तो मेरे पास ये कागज हैं, चले मेरे साथ, मुझे इनकी जगह दिखा दे कि कहां पर इनकी ऑफिस है। और मैं सीबीआई से जानना चाहता हूं कि आपसे, आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया है या खेलों में हो रहे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है। मैं खेलों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। मैं चुनौती देता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि चलिए मेरे साथ उन कंपनियों के जिनका मैंने नाम लिया है, पहले तो ये बताइए कि उनका काम क्या किया है, कहां पर किया है। दूसरा ये कि उनका अता पता मुझे आप बता दें। ये बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा माल गया है, बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए मुझे ये लगता है कि इस प्रकार से मुझे बदनाम करना उचित न होगा। मैं इतने बड़े संगठन का 22 सालों से सदस्य रहा हूं, मैं छोटे छोटे चिरागों में से एक हूं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जलता रहा हूं, कार्य के लिए जलता रहा हूं, लेकिन लोग मुझे देख करके जलते हैं।